और क्या क्या करने वाली हूँ। क्या है वो बर्बादी का प्लान जो तुमने उस ठग पति के साथ मिलकर बनाया है? बोलो क्या करने वाली हो तुम मीरा? दीदी आप क्या बोल रही है? आप जानती है कि आदि और रखी एक दूसरे को महीनों से जानते हैं। इनफैक्ट हम उन्हें जानते हैं उससे भी पहले से, वो एक दूसरे को जानते हैं। और उन्हें इस घर में लेकर आने वाले आप खुद हो। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मासी हूं मैं अक्की की, उसका बुरा क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ। प्लीज मीरा, मेरी बेटी को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और स्पेशली तुम्हारी हमदर्दी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी बेटी अच्छा लड़का डिजर्व करती है। उस बेकार और मक्कार आदित्य तिवारी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, समझी? तो बेटी देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। अक्की और आदि की शादी होना बहुत जरूरी है। वो अक्की प्रेग्नेंट है, वो आदि से प्यार करती है। अगर कल को स्ट्रेस में आके अक्की ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया खुद के साथ। अब एक शब्द और नहीं। बचपन में जब तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती थी ना, तो ऐसे ही कान पकड़ के मैं तुम्हें समझाया करती थी। याद आया कुछ या भूल गई हो तुम? दीदी कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मीरा एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी के आसपास भी भटकी ना तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ, समझी? तो तुम्हें 15 दिन की शर्त इसलिए दी थी ताकि तुम उस तिवारी परिवार से दूर रहो, पर नहीं, तुमने तो मेरी अच्छाई का बदला मेरी बेटी के साथ बुराई करके किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बेटी की राजदार बन करके माँ बेटी को अलग करना चाहती हो ताकि तुम उसकी हमदर्दी ले सको और मुझे दर्द दे सको? बोलो मीरा। ऋत्विक, नव्या, मैं ठीक हूँ नव्या, तुम सो जाओ। ऋत्विक, देखो आई नो कि तुम ठीक नहीं हो, बहुत हर्ट हो तुम। भले ही तुम अक्की से ज्यादा बात ना करते हो पर प्यार तो करते हो ना, सगी बहन है तुम्हारी। और से तकलीफ में देखे तुम्हें तकलीफ हो रही किसी भी भाई को होगी। ऋत्विक आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें अक्की की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, पर मैं क्या करती, मीरा जी ने कसम ली थी मुझसे। आई नो मुझे फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था, तुम पति हो मेरे। नफ़िया तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो भी किया अच्छा ही किया। क्योंकि अगर मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पहले पता होता तो उस इंसान को मैं यहाँ कभी नहीं रहने देता। क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा तुम्हें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। रियली सॉरी नव्या, तुम बहुत स्ट्रांग हो नव्या। इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी तुमने हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मुकुंद जी, अरे क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं आप? अरे मीरा जी छुप कर ली है, पता नहीं अचानक कमरे में कहां से घुस गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं निकालता हूँ इसको। हाँ तो ठीक है, छिप कर ली यहाँ है, आपको वहां सोना है, आप जाकर सो जाइए, प्रॉब्लम क्या है? अरे अजीब बात कर रही हैं मीरा जी, हैं? एक ही कमरे में छिप कर ली और मुकुंद तिवारी, कैसे हो सकते बताइए?
इसलिए जब तक मैं इसे कमरे से बाहर नहीं निकालता ना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन आप मत डरिए, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आप दूर रहिए। चिपकली, चिप 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 चिपकली, चिपकली, कहाँ, हाँ, हाँ, ये है ना, ये। मुझे नहीं पता था कि इतना हट्टा कट्टा आदमी जो सब पे दहाड़ता फिरता है, वो एक चिपकली से डरता है। डरता है मतलब? अरे कमाल कर रही हैं आप? आपको लग रहा मैं डर रहा हूँ? देखिए मीरा जी, मुकुंद तिवारी किसी के बाप से भी नहीं डरता, समझी आप? छिपकली तो एक छोटी सी चीज है। छिपकली? वो गई, खिड़की से बाहर चली गई। आपने देखा? अपनी आंखों से देखा आपने? बाहर गई ना? डर के भाग गई, मुकुंद तिवारी से डर के भाग गई छिपकली। बड़ी आई। नहीं, आपको क्या लगता है मुकुंद तिवारी छिपकली से डरता है? नहीं नहीं नहीं, मैं छिपकली से डरता नहीं हूँ। अरे मुझे ना छिपकली देख के खिल आती है। बस अगर वो कमरे में हो ना तो मुझे उस कमरे में जाना पसंद नहीं है, समझिए आप। सही, ठीक है, अब तो चली गई ना, सो जाइए। क्या क्या बात है मीरा जी, आप उदास लग रही? बस वो अक्की को लेकर परेशान हूं, आप नहीं जानते उसने क्या किया। क्या किया अक्की ने? बताइए मीरा जी, क्या किया? अगर मुकुंद जी को ये बात बता दी मैंने और इन्होंने मेरी कोई हेल्प की तो मेरी इन्हें दोषी ठहरा देंगी। और वैसे भी क्या पता इनसे बात करने का कोई फायदा है भी या नहीं। अरे बताइए ना, अरे मीरा जी बताइए ना, क्या किया अक्की ने? कुछ नहीं, बस वो बहुत रो रही थी और बस समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। एक बात बताऊं मीरा जी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कहां से टपक गया मैं आपके जीवन में। अच्छी खासी तो चल रही थी आपकी जिंदगी, खुश थी आप अपने परिवार के साथ। पता नहीं, मैं अपने परिवार के साथ आया और आपको हम सब की वजह से कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ये सब तमाशे हमारी वजह से हो रहे हैं। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। मुकुंद जी, आप इन सब बातों के लिए खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? और सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, हाँ आप कहती हैं तो ये भी ठीक है। वैसे इसके आगे क्या, मतलब क्या सोचा है, क्या करना है? पता नहीं, कुछ सोचा नहीं क्या करूंगी, पर कुछ करूंगी तो जरूर। वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो भी करेंगी ना उसमें सबकी भलाई होगी, सब अच्छा होगा। एक तरफ पीटी है जो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का, मेरी इंसल्ट करने का, मेरा कॉन्फिडेंस लूज करने का, और एक तरफ मुकुंद जी है जिन्हें कितना भरोसा है मुझ पे, जबकि हमें मिले तो अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। पर मैं आपके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी मुकुंद जी, ना मैं आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत होने दूंगी और ना ही मेरे और आपके रिश्ते के साथ। मैंने अपने कानों से सुना है, हमने डॉक्टर से बात करनी, वो कल ही मेरा अबॉर्शन कराने वाली थी। नहीं, अगर मैं मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है वासी, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे कोई हक नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं तुमसे वादा करती हूँ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और हर हाल में तुम्हारी और आदि की शादी करवाऊंगी। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कोई दरवाजा खोलिए, हेल्प मी प्लीज, प्लीज कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। अक्की अक्की चिल्लाओ मत, बीड़ी झाग जाएगी। जाओ
अक्की दरवाजा लॉक है, तुम चिल्लाना मत, मैं कोशिश करती हूँ लॉक तोड़ने की। ओके ओके मेरी बात ध्यान से सुनो, से बात हुई क्या आपकी? वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी है ना? कि मेरी उससे बात नहीं हुई है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। क्या? अगर वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी मासी? शांत हो जाओ और ये सब बातें मत सोचो। इस वक्त तुम चलो यहाँ से, चलो। अक्की बेटा गुड मॉर्निंग। अक्की बच्चे उठो, आज डॉक्टर के पास जाना है ना। ये लड़की भी ना, कहाँ चली गई ये लड़की? मैंने तो दरवाजा बाहर से लॉक किया था, कहाँ जा सकती है ये? तो ये बात है, यहां से भागी है वो। पापा चिल्लाइए मत, ये मेरा घर है। अरे आपका घर है तो क्या हुआ, जो मन में आएगा वही करेंगे आप? क्या हो गया मॉम आपको? देख नहीं रहे आपने क्या किया? दोनों के हाथ जला दिए। प्लीज ऋतिक, अक्की का है, मीरा कहाँ है? अब ये मत बोलना कि वो घर पर है, क्योंकि मैंने हर जगह चेक कर लिया है। इवन मैंने एनजीओ में भी कॉल किया, वो लोग वहां पर भी नहीं है। आखिर ये मुकुंद तिवारी चाहते क्या है? कहाँ लेके गई मीरा मेरी बेटी को बताओ। मीरा जी घर पे नहीं है क्या? शक्ल से मैं क्या बेवकूफ दिखाई देती हूँ तुम्हें? तुम मीरा की तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन माँ, नहीं रितिक, मैं इस भोली शक्ल दिखने वाले दुकानदार को अच्छे से जानती हूँ। तुम नहीं जानती ये कितना पहुँचा हुआ इंसान है, यही चाहता है कि आदि और रकि की शादी हो जाए। बहुत सुंदर लग रही हो, कैसा लगा लहंगा? बहुत बहुत सुंदर है मासी, थैंक यू। मैंने कहा था ना, नविया से भी ज्यादा सुंदर लहंगा लाऊंगी तुम्हारे लिए। मासी आदि से बात हुई क्या आपकी? तुम उसकी टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। मिमी, मिमी कहाँ पे हो? ये सब क्या हो रहा है? अक्की आपके साथ है क्या? हाँ ऋतिक, अक्की मेरे साथ है और वो बिल्कुल ठीक है।
तुम एक काम करो, इस वीडियो कॉल को टीवी से कनेक्ट करो। टीवी टीवी से क्यों कनेक्ट करना है? मीरा, अक्की को लेकर अभी के अभी वापस आओ। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, समझे? तो फौरन अभी घर पहुंच जाओ। बीडी, मैं अक्की को लेकर जरूर आऊंगी, लेकिन पहले अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देख तो लीजिए। आशीर्वाद नहीं देंगी उसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती। शादी? बीडी, बीडी प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बीडी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अक्की की शादी होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि आप उसकी माँ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद भी दें और इस शादी को अपनी आंखों से देखें। और देखिए, इसीलिए मैंने आपको लाइव शादी दिखाने का पूरा अरेंजमेंट किया है, ये देखिए। सॉरी बेटी, ये शादी तो होकर रहेगी। देविका जी, क्या करेंगे आप? देखिए, शादी होती है हो, नहीं होती है ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए आप। अक्की आपकी बेटी, आपकी जिम्मेदारी। और रही बात उस आदि की, बरसों पहले वो मेरे लिए मर चुका है, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में इतने समय से रह रहे हैं ना बिना शादी की। अब अगर शादी कर लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बोलिए। देखिए देविका जी, सोचिए इस बात को कि अक्की अकेले कैसे पालेगी इस बच्चे को। समाज ऐसी औरतों को जीने नहीं देता जो शादी से पहले अपना बच्चा कर लेती है। और एक बात, आपके परिवार का नाम भी खराब होगा इसमें। देखिए देविका जी, हमारी संस्कृति के अब आप मुझे संस्कृति और कल्चर सिखाएंगे? जब आपका निकम्मा बेटा नव्या जैसी साधारण लड़की को खुश नहीं रख पाया, तो अक्की पर मोर को कैसे खुश रख पाएगा? मैं अच्छे से जानती हूँ, आपके बहकावे में आकर मीरा ने अक्की की शादी उस लूजर से करवाई है। बस देविका जी, बहुत बोल लिया आपने। देखिए, मैं मानता हूँ कि अक्की आपकी बेटी है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फैसला लेना आपका हक है, मानता हूँ मैं इस बात को। ठीक है, आप नहीं चाहती ना कि अक्की की शादी आदि के साथ हो, तो ऐसा ही होगा। मैं खुद रोकूंगा मीरा जी को, और इन दोनों की शादी मैं नहीं होने दूंगा। और आपको मैं वचन देता हूं कि अक्की को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा, यहीं इसी घर में। बस अब तो खुश हैं आप? विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को लेकर मंडप में आइए।
कह दिया मासी ने जो तुम शादी के लिए रेडी हो गए। बस यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई नहीं हुई दादी, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम पैसों से नहीं, मुझसे प्यार करते हो, है ना?